गुड मॉर्निंग, माय नेम इज आदि गुप्ता एंड यू आर ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर किड्स। टुडेज टॉपिक इज फ्रॉम द फुटप्रिंट लाइफ इन डेजर्ट रीजन। अहमद हसैन वाज अ फेमस इजिप्टियन एक्सप्लोरर। तो अहमद हसैन कौन थे? इजिप्टियन, फेमस इजिप्टियन एक्सप्लोरर थे। ही इज नोन फॉर हिज एडवेंचरस एक्सपेडिशन अक्रॉस द सहारा डेजर्ट। वन Of his expeditions, he discovered some rocks drawing that shed great light on the ancient Egyptian civilization. तो इनका main expenditure या adventure वो क्या था कि ये Sahara Desert में घूमते थे और उनकी सबसे बड़ी discovery क्या थी कि उन्होंने कुछ rock drawings को discover करा था जिसने ancient Egypt civilization को light करा था या लोगों के सामने लाए थे। लाइफ इन डेजर्ट रीजन, सहारा डेजर्ट की लाइफ बताइए और लद्दाख की। सहारा मतलब हॉट रीजन, राइट, एंड लद्दाख आपका कौन सा रीजन है? कोल्ड रीजन, बर्फ से ढका हुआ। अ क्लाइमेट विद एक्सट्रीम टेम्परेचर वेयर इन समर टेम्परेचर सो टू ऑलमोस्ट 55 डिग्री वाइल विंटर टेम्परेचर ड्रॉप टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो समर का टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेल्सियस रहता है और जो विंटर का टेम्परेचर है यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दैट हैज अडेप्टेड वेल टू लैक ऑफ वाटर। और यहाँ पे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसे बड़ी होती है या कैसे एटमोसफेयर को अडेप्ट कर लिया है लैक ऑफ वाटर के। ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इट इज डिफिकल्ट टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। और क्योंकि यहाँ पे ये डेजर्ट एरिया होता है तो जो इंसान और जानवर हैं वो एकदम सेटल लाइफ एंजॉय नहीं करते, एक जगह नहीं रह पाते। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स अवर लद्दाख, लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। लद्दाख इज कोल्ड माउंटेनियस रॉकी डेजर्ट। तो लद्दाख कहाँ पर है आपका? जम्मू और कश्मीर में, इंडिया में है। लद्दाख आपका कोल्ड है और माउंटेनियस रॉकी डेजर्ट है। Lying in the rain shadow of the Great Himalaya Range, Ladakh virtually receives no rainfall. क्योंकि हिमालय रेंज में है और लद्दाख में क्या है? कोई भी बारिश नहीं होती। लद्दाख has a treeless, wind-swept terrain and limited fauna. Treeless है और यहाँ पर क्या है? Limited faunas भी हैं। The Ladakh are fiercely independent and extremely hard working people. तो लद्दाखीज जो हैं वो कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं और बहुत ज्यादा मेहनती लोग हैं। तो इंडिपेंडेंट और हार्ड वर्किंग लोग हैं। द सहारा डेजर्ट इज ए ट्रॉपिकल और हॉट डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका वेयर एज लद्दाख इज टेम्परेट और कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन इंडिया। तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में, और ये ट्रॉपिकल और हॉट डेजर्ट है। वेयर एज लद्दाख कैसा है आपका? टेम्परेट और कोल्ड डेजर्ट है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में। अभी हम पढ़ने वाले हैं सहारा डेजर्ट के बारे में। लोकेशन, इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ अल्जीरिया, माले, लिबाया, लिबिया, छाद, इजिप्ट, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान एंड टूनिसिया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से यहाँ पे पूरा आपका ये कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट का एरिया है। द सहारा इज बाउंड बाय द मेडिटेरियन सी एंड द एटलस माउंटेन इन द नॉर्थ। तो यहाँ पर ये वाली जो आपकी, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली सी जो है आपकी, ये कौन सी है? ये वाली सी आपकी मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पे नॉर्थ में कौन सा माउंटेन है आपका? एटलस माउंटेन। द नाइल वैली एंड द रेड सी इज इन द ईस्ट। तो नाइल वैली है आपकी ये वाली, सॉरी नाइजीरिया वैली है ये आपकी, ये रेड सी है। द नाइजर वैली इज साउथ एंड द अटलांटिक ओशन इज इन द वेस्ट। और आपका अटलांटिक ओशन जो है आपका किस साइड को है? ये पूरा ये वाला नॉर्थ अटलांटिक ओशन है आपका, ठीक है। और नाइजर वैली मैंने आपको पहले ही बता दी है। लैंडस्केप, द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद सैंड ड्यून्स एंड रॉकी पैचेस स्प्रिंकल अमिड द सैंड एंड रॉक्स आर ओएसिस।
वेयर ग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। तो सहारा डेजर्ट किससे कवर होता है? सैंड ड्यून से, जो सैंड्स के थोड़े थोड़े टीले बन जाते हैं उससे, और बहुत ही स्प्रिंकल सैंड और रॉक मिलके क्या बनाते हैं? ओएसिस। और वहां से क्या आता है आपका? ग्राउंड वाटर आता है सरफेस पे। द सहारा इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा हॉट या ट्रॉपिकल डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में। क्लाइमेट, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेयर इन समर टेम्परेचर सोर टू ऑलमोस्ट 55 डिग्री, वाइल विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स 15 डिग्री सेल्सियस एंड इवन रीच फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री, राइट? सो आपका यहाँ का जो समर का टेम्परेचर है वो 55 डिग्री होता है, और विंटर का टेम्परेचर यहाँ का 15 डिग्री सेल्सियस होता है। डेज आर स्कॉचिंग हॉट वाइल नाइट्स आर फ्रीजिंग कोल्ड। तो डेज कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा गर्म, और नाइट्स यहाँ पे कैसी होती है? फ्रीजिंग कोल्ड। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो अक्रॉस द डेजर्ट रीजन। और जो गर्म और ड्राई विंड्स हैं वो कैसे ब्लो करती हैं डेजर्ट रीजन में? हॉट और ड्राई विंड्स। रेन बेयरिंग विंड्स फ्रॉम द एटलांटिक ओशन लूज मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच दिस एरिया। तो जो रेन बेयरिंग विंड्स होती हैं जो एटलांटिक ओशन से चलती हैं, वो क्या करती हैं? अपना मॉइस्चर खो देती हैं जब तक इस रीजन में आती हैं। दस एनुअल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर इज बोथ अनरिलायबल एंड इररेगुलर। तो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड सच एज द खामसिन, सिरोको, हरमैटन एंड सिमोन एज वेल एज द सैंड स्टोर्म्स आर वेरी कॉमन हेयर। तो यहाँ पे हॉट ड्राई और डस्टी विंड्स होती हैं, जिनके नाम जैसे लू होती है आपकी, और इंडिया में जिसको लू कहते हैं, चिनुक्स कहते हैं आपके। तो ये क्या है? खामसिन, सिरोको, हरमैटन एंड सिमोन। There is a rise in temperature and decrease in humidity as one moves eastward. जैसे हम east की side जाएंगे तो temperature क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और आपकी humidity क्या होगी? कम हो जाएगी। But obviously अगर आपका temperature बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो humidity क्या होगी? आपकी कम होगी। The Libyan region is the most arid. तो Libyan region जो है वो क्या है आपका? सबसे ज्यादा सूखा हुआ region है। And El Azizia records very high temperature crossing 48 degree. और El Azizia में temperature कितना रहता है? 48 degree Celsius. The official highest record temperature in the world is 56.7 degree Celsius, which was measured on 10th July 1930 at Greenland Ranch, Death Valley, California, USA. तो जो highest recorded temperature जो नोट किया गया था वो था 56.7 डिग्री सेल्सियस, और वो कहाँ था? ग्रीनलैंड रेंज, कैलिफोर्निया, यूएसए में, और रिकॉर्ड कब हुआ था? 10 जुलाई 1913 को। नेचुरल वेजिटेशन, द डेजर्ट इज होम टू जेरोफिटिक वेजिटेशन सच अस स्मॉल स्पाइनी कैक्टी बुशेस एंड टफ्स ऑफ कोर्स ग्रास दैट हैव अडैप्टेड वेल एट द लैक ऑफ water by growing long roots, waxy leaves, fleshy stems and spines. तो xerophytic type of plant क्या होते हैं? जो dry condition में उगते हैं। तो उनकी क्या होती है? बहुत छोटी leaves होती हैं, spines होते हैं bushes के, और coarse grass होती है। और ये किस वजह से ऐसे हो जाते हैं? Because lack of water. और इनकी क्या होती है? बहुत लंबी root होती है, waxy leaves होती हैं, फ्लैशी स्टेम होती है, और स्पाइंस होती है। डेट पाम्स दैट ग्रोस अराउंड द ओएसिस, दे प्रोवाइड डेट्स फॉर फूड, द सैप इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड द लीव्स आर यूज्ड फॉर फॉडर एंड टू मेक थैच रूफ। जो डेट पाम है जो आपका ओएसिस के पास मिलता है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? एक तो फूड प्रोवाइड करता है, सैप हमारा यूज होता है वाइन के लिए, लीव्स हमारी यूज होती है पॉडर्स के लिए, मतलब चराहों के या गाय भैंस या जो भी एनिमल्स वहां पे हैं उनके खाने के लिए, और कुछ कुछ थैच रूफ बनाने के। कैक्टस, एसीसिया एंड बायोबाब आर द मेन प्लांट स्पीशीज फाउंड इन सहारा डेजर्ट।
तो ये सारे के सारे आपके मेन प्लांट्स हैं जो सहारा डेजर्ट में मिलते हैं। डेट पाम ट्रीज इन एन ओएसिस इन द सहारा डेजर्ट। तो ये किसके ट्रीज हैं आपके? डेट पाम के। कैक्टस इन द सहारा डेजर्ट, और ये क्या है आपका? कैक्टस सहारा डेजर्ट में। वाइल्ड लाइफ, द एनिमल स्पीशीज हैव अडेप्टेड वेल टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। जो एनिमल की स्पीशीज है उन्होंने वेल अडेप्ट करा है एक्सट्रीम क्लाइमेट के कंडीशन को। स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स एस्केप द फियर्स हीट बाय हाइडिंग ड्यूरिंग द डे अंडर स्टोन्स और बर्रोइंग इनटू सॉइल। तो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को कैसे बचाते हैं? गर्म गर्म गर्माहट से स्टोन्स के अंदर बरो करके या सॉइल में छिपकर। दे आर यूजली स्विफ्ट रनर एंड कम आउट टू फीड एट नाइट। और ये बहुत अच्छे रनर होते हैं, और ये कब बाहर निकलते हैं? रात को, जब इनको भूख लगती है। द कैमल नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट इज परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल सूटेड टू द एनवायरमेंट बिसाइड्स द एडेक्स अ डेजर्ट एंटलॉप। तो जो कैमल है उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, वो बेस्ट एग्जाम्पल है सूटेड एनवायरमेंट के लिए। और दूसरा क्या है? डेजर्ट एंटलॉप। द अदर एनिमल फाउंड हेयर आर जैकल, हाइना, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। और यहाँ पे दूसरे जानवर कौन से मिलते हैं? जैकल, हाइना, स्नेक्स और लिजर्ड्स। दिस इज द कैक्टस सर्वाइव इन अ हॉट और एरिड कंडीशन में डेजर्ट ड्यू टू सम स्पेशल फीचर्स। लेट अस टेक अ लुक एट देम। द लार्ज फ्लैशी स्टेम स्टोर्ड वाटर। जो इसकी लार्ज फ्लैशी स्टेम है वो क्या करती है? वाटर को स्टोर करती है। और जो स्पाइक्स है कैक्टस की वो एनिमल से उसको दूर रखती है। ठीक है, वैक्सी स्टेम है जो रिड्यूस करती है लॉस ऑफ वाटर को। और जो लॉन्ग शेलो रूट है वो स्प्रेड होती है ऑल ओवर वाइड एरियाज पर, जिससे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। लाइफ ऑफ पीपल, तो यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी होती है? ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इट इज डिफिकल्ट टू लेड अ सेटल लाइफ। मैनी नोमैडिक ट्राइब्स ट्रांसवर्स द सहारा। हाउ एवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम द अरब ब्यूडोन्स इन नॉर्थ एंड द बर्बर्स इन द एटलस माउंटेन्स एंड द टुआरेग्स इन द साउदर्न हाफ। तो जो आपके अरब बिडोन्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ में। बर्बर्स मिलते हैं आपके एटलस माउंटेन के पास, एंड टुआरेग्स मिलते हैं आपके साउदर्न हाफ में। द ब्यूडोनिस बर्बर्स एंड टुआरेग्स प्रैक्टिस एनिमल रेयरिंग एंड मूव विद देयर हर्ड ऑफ कैमल, शीप, हॉर्स एंड गोट इन सर्च ऑफ वाटर एंड ग्रास। तो ये वाले जितने भी ट्राइबल्स हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स के साथ ही चलते हैं अपने किसकी तलाश में? पानी और घास की। द एनिमल्स प्रोवाइड देम मिल्क, मीट एंड हाइड विच इज यूज टू मेक टेंट्स, बेल्ट्स, वाटर बैग्स एंड हेयर विच इज यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स, मैट्स एंड ब्लैंकेट्स। तो एनिमल्स इनको प्रोवाइड करते हैं मीट, मिल्क और हाइडिंग का पोर्शन, जिससे ये क्या बनाते हैं? अपने टेंट बनाते हैं, बेल्ट्स बनाते हैं, वाटर के बैग्स बनाते हैं और हेयर। और हेयर से जनरली क्या यूज ये बनाते हैं? कारपेट, मैट्स और ब्लैंकेट्स। कैमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और कैमिकल्स कैमल्स का क्या यूज करते हैं वो? एज अ ट्रांसपोर्टेशन। पीपल वेयर लॉन्ग लूज वाइट रॉब्स टू बीट द हीट एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द डस्टी विंड्स। जो लोग हैं यहाँ पर वो क्या पहनते हैं? लॉन्ग लूज वाइट रॉब्स पहनते हैं ताकि वो गर्माहट को मात दे पाए और अपने आप को बचा पाए किससे? डस्टी विंड से। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस नियर द ओएसिस और इन द रिवर वैली सच एज नाइल वैली। जो एग्रीकल्चर है, जो खेती की प्रैक्टिस है, वो कहाँ पर होती है? ओएसिस के पास, क्योंकि पानी कहाँ पे मिलता है डेजर्ट एरिया में? ओएसिस के पास। वेरियस क्रॉप सच एज मेज, मायलेट, वीट, बार्ले एंड फ्रूट्स सच एज फिग्स, डेट्स, एप्रिकॉट्स एंड ऑलिव्स आर ग्रोन। तो जितने भी आपके क्रॉप्स हैं, मेज, मायलेट, वीट और बार्ले और फ्रूट्स जैसे फिग्स, डेट्स, एप्रिकॉट्स एंड ऑलिव यहाँ पर उगाए जाते हैं। द इजिप्टियन कॉटन ग्रोन इन नाइल वैली इज फेमस फॉर इट्स लॉन्ग फाइबर।
और जो इजिप्टन कॉटन यहाँ पे उगाई जाती है नाइल वैली में, और ये किसके फेमस है, लॉन्ग फाइबर्स की तरह। द सहारा डेजर्ट हैज रिच रिजर्व्स फॉर मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस इन लिबिया, इजिप्ट एंड अल्जीरिया। तो जो सहारा डेजर्ट है वो रिच रिजर्व्स है किसका, नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल का, लीबिया में, इजिप्ट में और अल्जीरिया में। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन दिस रीजन हैड लेड टू द माइग्रेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल टू वेरियस सिटीज सो दैट दे कैन लेड अ सेटल लाइफ। तो जो डिस्कवरी है ऑयल की इस रीजन में, उसने माइग्रेटिंग ट्राइबल्स पीपल को क्या दिया है, पीपल टू वेरियस सिटीज, और यहाँ पर फिर उन्होंने क्या करी है, सेटल लाइफ को लेड करा है। माइनिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ मिनरल्स लाइक कॉपर, आयरन ओर एंड मैग्नीश। तो यहाँ पर माइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑक्यूपेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कॉपर के, आयरन ओर के और मैग्नीश के। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अ चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल हु इनहैबिटेड द रीजन। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की, उसने क्या करा है, लोगों के प्रति चेंज लाया है जो यहाँ पे लोग नहीं रहते थे। एयरवेज एंड सुपर हाईवेज कनेक्ट रिमोट एरियाज ऑफ द डेजर्ट टू द वर्ल्ड। तो जो एयरवेज है और सुपर हाईवेज है, उन्होंने क्या करा है, इस डेजर्ट एरिया को कनेक्ट कर दिया वर्ल्ड से। वाइल रिवर नाइल सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे, और जो रिवर नाइल है वो सर्व करती है क्या, इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे का। कैरियो, गीजा एंड टिम्बकटू आर द इम्पोर्टेंट सिटीज विद मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, कल्चर एंड रीजनल सेंटर्स। तो ये जितनी भी सिटीज हैं तीन, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज हैं स्कूल की, हॉस्पिटल्स की, कल्चर और रीजन सेंटर्स। लद्दाख, द फिजिकल बेस, लद्दाख इज द तिब्बतन टर्म मीनिंग लैंड ऑफ हाई पासिस। लद्दाख का तिब्बतन मतलब होता है लैंड ऑफ हाई पासिस। लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इन इंडिया, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्ट जम्मू कश्मीर इंडिया में। लद्दाख इज कोल्ड माउंटेनियस रॉकी डेजर्ट, लद्दाख कोल्ड है, माउंटेनियस है और रॉकी डेजर्ट है। लाइंग नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय इट इज बाउंड बाय काकाकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जंस्कर माउंटेन इन द साउथ। तो काकाकोरम रेंज नॉर्थ से लेकर जांस्कर माउंटेन साउथ तक ये फैला हुआ है। द एल्टीट्यूड हेयर रेंजेस फ्रॉम 300 मीटर नियर कारगिल टू अबाउट 800 मीटर इन द काकाकोरम रेंज। तो यहाँ पर ये कारगिल से लेकर काकाकोरम रेंज तक ये है। द एवरेज हाइट ऑफ द लद्दाख रेंज इज 6,000 मीटर। तो एवरेज हाइट लद्दाख रेंज की क्या है, 6,000 मीटर। सेवरल माउंटेन पासेस प्रोवाइड एक्सेस टू लद्दाख सच एज खारदंगला। तो यहाँ पर बहुत सारे पासिस हैं, जोजिला और भी बहुत सारे पासिस हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसमें एक खरदंगला है जगह जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द रग्ड माउंटेन टेरेन हैज बीन डिस्ट्रैक्ट बाय द अपर कोर्स ऑफ द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द नबरा, श्योक, सुरु एंड जंस्कर। तो यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो किससे, अपर कोर्स रिवर्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे इंडस की ट्रिब्यूटरीज नदियों से घिरे हुए हैं जैसे नबरा, सायोक, सुरु एंड जांस्कर। दीज रिवर हैव कट डीप वैली एंड गॉरियस एंड लेंड सम ग्रीनरी टू द अदरवाइज ब्लीक ड्राई लैंडस्केप। सम ग्रीनरी टू द अदरवाइज ब्लीक ड्राई लैंडस्केप। पानगोंग टसो इज अ ह्यूज सॉल्ट वाटर लेक इन लद्दाख। तो ये वाला क्या है, ह्यूज वाटर, सॉल्ट वाटर लेक है लद्दाख में। क्लाइमेट, लाइंग इन द रेन शेडो ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज लद्दाख वर्चुअली रिसीव्स नो रेनफॉल। और यहाँ पे क्या होता है, बारिश नहीं होती। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस एंड द बिटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया ब्रिंग स्नोफॉल टू द रीजन।
विच फीड्स द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन। तो क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं सेंट्रल एशिया से आती है, जिसकी वजह से क्या यहाँ पे जम जाती है, ग्लेशियर्स बन जाते हैं। ये है खारदुंगला टॉप। खारदुंगला इज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट एज इट लाइज ऑन द मेजर कारवां रूट फ्रॉम ले इन इंडिया टू काशगार इन चाइना। तो ये आपका एक कारवां रूट है, कहाँ से कहाँ तक का, इंडिया से चाइना तक का। अबाउट 10,000 हॉर्सेज एंड कैमल्स यूज टू टेक द रूट एनुअली। और यहाँ से 10,000 से भी ज्यादा हॉर्सेज और कैमल्स इधर से उधर जाते हैं। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू ट्रांसफर वॉर मटीरियल टू चाइना थ्रू दिस रूट। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो यहाँ से ही चाइना को ट्रांसफर किए गए थे वॉर के मटीरियल। एट 5359 मीटर इट हैज द हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। और इतनी हाई होने पर भी हाइएस्ट मोटरेबल रोड है ये पूरे वर्ल्ड में। द क्लाइमेट हेयर इज एक्सट्रीम विथ समर टेम्परेचर वेरिंग 30 डिग्री ड्यूरिंग डे एंड -3 नाइट, वाइल विंटर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग द डे एंड मे रीच एज लो एज -35 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। तो यहाँ पे समर का टेम्परेचर 30 डिग्री होता है और नाइट में -3, और यहाँ पे विंटर में टेम्परेचर कितना रहता है फ्रीजिंग पॉइंट का, और जब रात होती है तो कितना हो जाता है -35 डिग्री सेल्सियस। द विंड एंट्रिंग थ्रू द पासिस ब्रिंग हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। और जो हवाएं पासिस के थ्रू चलती है वो क्या लाती है, बहुत सारी बर्फबारी विंटर के सीजन में। नेचुरल वेजिटेशन, लद्दाख हैज अ ट्रीलेस वाइन स्वैप टेरेन वेयर मोस्ट माउंटेन स्लोप्स आर बैरन एंड द वुलोअर वार्मर स्लोप्स नियर द रिवर वैली हैव अ फ्यू विलो सेदार एल्म पॉपुलर साइप्रेस जूनिपर एंड यू ट्रीज। तो यहाँ के माउंटेन स्लोप्स कैसे होते हैं, बंजर होते हैं, और जो लोअर वैली है रिवर वैली वहां पर कुछ पेड़ उगते हैं जैसे विलो के, सिदार के, पॉपुलर के, साइप्रेस के, जूनिपर के और यू ट्रीज के। ड्यूरिंग द समर सीजन ट्रीज सच एज एप्पल्स एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट ब्लूम्स। और समर सीजन में ये जितने भी ट्रीज हैं एप्पल्स के, एप्रिकॉट्स के और वॉलनट्स के, इसमें फूल खिलते हैं। अ फ्यू अल्पाइन पास्चर विद मॉसेस एंड द जेनिटिस आर फाउंड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। और ये जेनिटिस हो रखे हैं आपके फ्लावर हाई माउंटेन रीजन में। वाइल्ड लाइफ, ड्यू टू द लैक ऑफ वेजिटेशन एंड द बिटर कोल्ड लद्दाख हैज लिमिटेड फौना। क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड होती है तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड फौना अवेलेबल होती है। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन हेयर मार्मोट्स बारिसिंगा एंड लिजर्ड्स आर विजिबल। तो इट्स छोटे समर सीजन में यहाँ पे सारे जानवर दिखाई देते हैं। द एनिमल्स मोस्ट सूटेड टू द क्लाइमेट एंड द टेरेन इन द याक डोंग विद इट्स थिक शैगी कोट बिसाइड्स माउंटेन गोट शीप्स तिब्बतन वाइल्ड एस एंटलॉप शोज अ हाइब्रिड याक काउ एंड अ वैरायटी ऑफ डॉग्स। तो हाइब्रिड क्या है, याक काउ का हाइब्रिड क्या है, डिजो। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स सच एज द रेयर ब्लैक नेक क्रेन हिरॉन्स पिजन्स शिकार रेड स्टार्ट्स टिबेटन स्नो कॉक एंड रेविन्स आर ऑल्सो फाइंड हेयर। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज ऑफ बर्ड भी मिलती हैं। अ फ्यू ऑफ दीज आर माइग्रेटेड बर्ड हु फ्लाई टू वार्मर एरियाज इन ऑर्डर टू एस्केप द सीवियर विंटर। और कुछ बर्ड्स क्या होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो वार्मर एरिया में उड़ जाती हैं जब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। लाइफ ऑफ पीपल, वन ऑफ द हाइएस्ट एंड ड्राइस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ लद्दाख हैज बीन होम टू अ रिच एंड सेल्फ सस्टेनिंग कल्चर। द लद्दाखीज आर फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल। यहाँ का टेम्परेचर के कारण यहाँ पे लोग नहीं रहना चाहते, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग जो लद्दाखीज हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है और एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग लोग हैं।
They are adept at meeting the challenge of inhospitable climate and terrain. और उन लोगों ने क्या करा है, चैलेंज को एक्सेप्ट करा है आपके क्लाइमेट के. द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज द टिबेटन बुद्धिस्ट विच इज अपेरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूमरस मोनेस्ट्रीज एंड गोम्पास प्रेयर स्टोन्स और चोटेंस एंड एंड प्रेयर्स व्हील्स. तो यहाँ पे तकरीबन कौन मिलता है, टिबेटन बुद्धिस्ट मिलते हैं और यहाँ पे मोनेस्ट्रीज या गोम्पास हैं और प्रेयर्स के स्टोन्स या प्रेयर व्हील्स है. The Buddhist spiritual leaders, the lamas, also play an important role in Ladakhi's life. और जो बुद्धिस्ट के लीडर्स होते हैं लामास, वो भी लदाकीज की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. In order to survive in such a harsh environment, the Ladakhis people have developed a lifestyle in harmony with nature and use their natural resources very carefully. तो इतने harsh environment में survive करने के लिए लद्दाख के लोगों ने अपना एक अलग से lifestyle को develop करा और natural resources को बहुत carefully use किया. This has helped them maintain a stable population with a deep sense of peace and contentment. और इसी तरह उन लोगों ने क्या करा है, मेंटेन करा है स्टेबल पॉपुलेशन डीप सेंस और पीस के कंटेंटमेंट के साथ. द इकोनॉमिक इन लद्दाख इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एनिमल रेयरिंग एंड टूरिज्म. जो इकोनॉमी है जिससे पैसा आता है लद्दाख के लोगों को, वो किसके ऊपर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे, एनिमल रेयरिंग पे और टूरिज्म पे. और लद्दाखीज कीप हर्ड्स ऑफ याक, डजो, शीप एंड गोट विच गेज ऑन हाई समर पैस्चर एंड फीड ऑन स्टोर्ड फॉर्डर इन विंटर. तो लद्दाखी के लोग ज्यादातर हर्ट करते हैं किसको, याक को, डिजो को, शीप को और गोट को. और ये समर सीजन में तो गेस करते हैं और विंटर सीजन में जो स्टोर फॉर्डर होता है उस पर निर्भर रहते हैं. याक बिसाइड्स बीइंग अ बीस्ट ऑफ बर्डन ऑल्सो प्रोवाइड मिल्क, वूल एंड हेयर, वाइल गोट्स एंड शीप प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड हाइड. तो याक जो है वो जो है बीस्ट ऑफ बर्डन है. बीस्ट ऑफ बर्डन मीन्स जो बोझा ढोने वाला. और क्या प्रोवाइड करता है, मिल्क, वूल और हेयर. जबकि जो गोट्स हैं, गोट्स और शीप हैं, वो क्या प्रोवाइड करती हैं, मिल्क, मीट और हाइड. ड्यूरिंग विंटर द पीपल एंगेज देमसेल्व्स इन वीविंग विच इज मोस्टली डन ऑन प्रिमिटिव लूम्स. पश्मीना वूल ऑब्टेन फ्रॉम शीप इज यूज टू मेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स. तो विंटर सीजन में लोग जनरली क्या करते हैं, वीविंग. और जो पश्मीना वूल है वो ऑब्टेन्ड होती है शीप से, जिससे वो क्या बनाते हैं, शॉल, ब्लैंकेट्स और कारपेट्स. एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ड्यूरिंग द समर मंथ फ्रॉम मई टू सितंबर एंड सीरियल्स सच एज वीट्स एंड बार्ले आर ग्रोन. तो एग्रीकल्चर यहाँ पे जनरली कब होती है, समर के मंथ्स में, मई से सितंबर में. और जो सीरियल्स हैं जैसे वीट और बार्ले यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं. हॉर्टिकल्चर इज कॉमन एंड अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक पीस, टर्निप्स, बीन्स, पोटैटोज, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, एप्रिकॉट्स एंड मलबेरीज आर ग्रोन. Desert conditions have forced the farmers to develop unique irrigation system using water melted from the glaciers. क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है कि यहाँ पे फार्मिंग नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन्होंने एक यूनिक इरिगेशन सिस्टम के का मेथड यूज करा, जहाँ पे ग्लेशियर्स को पिघला के उसको यूज किया जाता है. Handicrafts also occupy an important place in traditional Ladakhi society in form of knitting, weaving, cabinet making, wood crafting, metal work and making embroidered tankas or silk painting. This activity continue through winter and summer. So, ये सारी activity, handicraft activity, जिसमें लद्दाख जो ट्रेडिशनल लद्दाखी सोसाइटी है वो सारी निटिंग, वीविंग, कैबिनेट मेकिंग, वुड कार्विंग, मेटल वर्क करना और सिल्क पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी करना विंटर से समर तक ये करते हैं. कोऑपरेटिव एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेट अप बाय द गवर्नमेंट हेल्प द लोकल पॉपुलेशन टू मेक वेरियस क्राफ्ट फॉर सेल्स टू टूरिस्ट हु फ्लॉक हेयर इन समर. तो जो कोऑपरेटिव और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स बनाते हैं उन लोगों के लिए, उन टूरिस्ट के लिए जो समर सीजन में आते हैं.
Tourism also provides a source of livelihood for many Ladakhis in summer season, especially in urban areas of Leh, Dras, Kargil and Diskit. तो यहाँ पे जो टूरिज्म है वो एक मेन सोर्स है, लाइवलीहुड सोर्स है लद्दाखीज का समर सीजन में. और अर्बन एरियाज में जैसे लेह की साइड कैपिटल है जो द्रास, कारगिल और डिस्ट्रिक्ट. सिंस द 1970 रोड लिंक्स बिटवीन श्रीनगर एंड लेह एंड मनाली एंड लेह हैव ओपन्ड अप द रीजन कंसिडरेबली एंड ब्रॉट मेनी चेंजेस. हाउएवर लद्दाख इज एक्सेसिबल बाय रोड ओनली इन समर. इन विंटर ड्यू टू हैवी स्नोफॉल ओनली एयर लिंक्स आर अवेलेबल. तो यहाँ पर रोड लिंक श्रीनगर से लेह का और मनाली और लेह का अब ओपन हो गया है और ये एक्सेसिबल भी है. लद्दाख एक्सेसिबल है रोड से समर में और विंटर में एयर लिंक से ये लिंक्ड है. ये है मोनेस्ट्रीज लद्दाख में. इफ यू लाइक द वे एज आई एम टीचिंग सो लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल Education for Kids. Thank you so much.